अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिफारती महाज के अलावा कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान कानूनी एतबार से कौन से आलमी फोरम्स पर लड़ सकता है? प्रोग्राम के पहले हिस्से पे हम इस पर बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि भारत में इस वक्त 67 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, भारत टूटने के करीब है। शिद्दत पसंद मोदी को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि FBI की टीम अब दुकानों पर दरामदी दस्तावेजात की जाँच पड़ताल करेगी। आखिर जो हुकूमत फैसला है, मुल्क की बिगड़ती मौशी सूरत हाल पर मुस्बत असर डालेगा या फिर मनफी? लेकिन पहले हम बात करेंगे कि कानूनी तौर पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए पाकिस्तान क्या तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, कश्मीर का मुकदमा क्या सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा है या फिर ये मुकदमा दुनिया भर में बसे 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों का मुकदमा है? ये वो सवाल है जो हमेशा से ही जवाब तलब रहा है, क्योंकि इसे बदकिस्मती कहें या बेहिस्सी कहें, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले पर कभी भी मुस्लिम उम्मा ने यक जुबान होकर आवाज़ नहीं उठाई है। भारत के हालिया से आए इकदाम के खिलाफ भी पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो कि इस मामले को मुसलसल आलमी सतह पर उजागर कर रहा है, जिससे सफारती सतह पर भारत के मौकिफ को शिकस्त हो चुकी है। और रशिया, अमेरिका और बर्तानिया समेत दुनिया के तमाम ममालिक मसले कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार भी नजर आते हैं। सालसी की पेशकशें भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यह है कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास कौन से फोरम्स मौजूद हैं जिन पर वो कश्मीर का मुकदमा लड़ सकता है? भारतीय इकदाम के बाद शिमला मुआहदे और लाहौर एलामिया की बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक फिर वक़्त क्या रह जाती है और पाकिस्तान ये मुकदमा कौन से बैन अल-अक़वामी कानूनी फोरम्स पर लड़ने की तैयारी कर रहा है? इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम फ़ारूक नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि 50 सालों बाद फ़ारूक साहब, सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला डिस्कस होना यकीनन एक हमारी कामयाबी है, पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है जिसमें चाइना ने भी हमारा साथ दिया है। दुनिया तश्वीश का इजहार कर रही है, अफसोस कर रही है, लेकिन आपके नज़दीक इसका आउटकम क्या है? क्या ये इदारा जहाँ हम गए, जिसका दरवाज़ा हमने खटखटाया, फौरी तौर पर कुछ रिलीफ नहीं दे सकता था कश्मीर के मुसलमानों को? कर्फ्यू अभी भी जारी है, जुल्म और बर्बरियत अभी भी हो रहा है, कुछ फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता था? जी, फौरी रिलीफ मिल सकता है। चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 है UN चार्टर के, उसके तहत ये फौरी रिलीफ तो मिल सकता है। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल लॉ की और यूनाइटेड नेशंस की जब भी आप बात करते हैं, और ऐसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के या किसी भी फोरम पे आप जाते हैं, तो सिर्फ लीगल इश्यूज़ नहीं होते, कुछ डिप्लोमेसी के इश्यूज़ होते हैं, कुछ सियासी इश्यूज़ होते हैं। तो दरअसल ये सियासी फ्रंट पे और डिप्लोमेसी के फ्रंट पे भी एक बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान जो है बहैसियत एक मुल्क के, उसकी एक इकोनॉमिक पोजिशन आप सबके सामने है, दुनिया जहाँ की ट्रेड उससे खुली हुई है, दुनिया जहाँ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान एक समझिए कि टूरिज़्म का भी रिजॉर्ट है तमाम दुनिया के ममालिक के लिए, तो ये तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दुनिया जो है अब ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो हैं उसके लिए, उसको चेक करने के लिए बड़ी सीरियस है। और पाकिस्तान का अगर तो सिर्फ मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का होता कि जी हिंदुस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या स्पेशल स्टेटस चेंज किया है कश्मीर का, तो मुश्किल था। और पाकिस्तान इतने अरसे से ये मुकदमा लड़ ही रहा है, लेकिन अब जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो एक तो हिंदुस्तान ने किए और जिसका एक्चुअली पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ की जो इंडिजिनस मूवमेंट है वो इतनी शदीद शिद्दत इख्तियार कर गई है, और सो मच सो कि यूनाइटेड नेशंस के, एमनेस्टी इंटरनेशनल के, किस किस के उनके रेपर्टोयर्स हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि साबित करती हैं कि इतनी शदीद ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, इसलिए कश्मीर के इशू को अब समझिए कि रेजोल्यूशन की तरफ जाने, यानी ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चांस है, रियलिस्टिक चांस है। ठीक है, कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के भी आपने बात की, भारत के नाजायज यकतरफा इकदामात एक तरफ, शिमला मुआहदा की जो हमेशा बात करता आ रहा है जिसके तहत जो कश्मीर का मसला है ये बायलेटरली दो तरफा मुजाकरात से हल होना है,
तो जब ये यकतरफा कोई इकदामात कर लेता है तो फिर शिमला मुआहदे के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो इलाकाई पोजीशन है ये बरकरार रहेंगी, फिर इसके खात्मे के बाद फिर कानूनी पोजीशन क्या है उस जगह की, या दूसरी तरफ अगर ये कहें कि फिर शिमला मुआहदे की क्या वैल्यू वक़्त रह जाती है, ये ज़रा थोड़ा सा बताएँ। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, एक्चुअली ये बड़ा पिवटल सवाल है और शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो इसका बैकग्राउंड है वो सारा आपके सामने है और शिमला एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है क्लैरिटी के साथ, जिस पे इंदिरा गांधी की भी सिग्नेचर हैं, भुट्टो साहब की भी साइन है, वो ये कहता है कि दोनों ममालिक जो हैं यूनिलैटरली यानी असखुद अपनी अपनी टेरिटरीज़ जो कि हुई हुई हैं, एक आज़ाद कश्मीर है, एक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसका स्टेटस चेंज नहीं करेंगी और वो जूं का तू रहेगा जब तक कि मिल बैठ के कोई ऐसा सलूशन ना हो जिससे ये मसला जो है वो तय किया जाए। अब हिंदुस्तान ने अपने गुरूर और ताकत के ज़ोर पे एक तो ये इतना अब्यूज़ किया है ह्यूमन राइट्स का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन उसकी अपनी है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंजेस भी मौजूद हैं, तो एक तो ये क्लियरली शिमला मुआहदा जो कि दोनों फरीकैन ने साइन किया है इसकी क्लियर कट खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसके साथ साथ शिमला एग्रीमेंट से भी ज़्यादा आर्टिकल 103 है यूएन चार्टर का, जो ये कहता है कि अगर दो ममालिक के दरमियान अगर कोई ट्रीटी भी है, बायलैटरल कोई एग्रीमेंट भी है, तो वो सबसर्वियंट रहेगा और यूएन चार्टर जो है उसको फौकियत दी जाएगी। अच्छा। यूएन चार्टर में क्लैरिटी से लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी किस्म की कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगी, जिस तरह हिंदुस्तान जो है उसने वहाँ एक्चुअली एक ऑक्यूपेशनल आर्मी भेज दी है, यानी वो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें ऑक्यूपेशनल आर्मी इतनी ज़्यादा भेज दी कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी एक असेसमेंट है कि कुछ 350-400 के करीब अगर ऐसे लोग हैं जो कि जो फ्रीडम की बातें रेस कर रहे हैं, तो वहाँ 800,000 फ़ौज है, तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में, कि किसी भी तरह डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को चेक करने जाएंगे इस तरह फ़ौज भेज देंगे, यानी 400-500 लोग पे कोई 800,000 फ़ौजी, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के कानून के ख़िलाफ़ है और इसको ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ माना जाता अच्छा, है। आप समझते हैं, आप समझते हैं, अक्वामे मुत्तहदा में ऑलरेडी ये मामला था, एक बार फिर से सलामती काउंसिल में गया, इस सब के बाद अब क्या भारत शिमला मुआहदे के तहत बात करने का मजाज है, क्या इस आड़ में छुप सकता है शिमला मुआहदे की, अब वो फिर ये कह सकता है नहीं नहीं जी ये दुनिया इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, हमारा अंदरूनी मामला है, ढिठाई पे तो अभी भी वो लोग हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। अगेन ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये और भारत यही कह रहा है कि ये हमारा अंदरूनी माहिदा है। अब एक है आर्टिकल 35 है यूएन चार्टर का, जो इस तरह की बात करता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने हो जिससे इंटरनेशनल फ्रिक्शन हो या कोई आर्टिकल 34 है आई थिंक, उसमें इस तरह की बात है कि जिससे कोई इंटरनेशनल पीस जो है वो इंडेंजर होती हो। अच्छा, अब आप देखिए कि दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं, अभी छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बीइंग आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को, स्पेशल स्टेटस को छोड़ दें, आप ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को भी एक तरफ हम रखते हैं डिस्कशन के लिए, ये एक एंडेंजर करता है दुनिया के पीस को। आर्टिकल 34 है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेशनल पीस को एंडेंजर करती हो तो फिर ये बायलैटरल इशू नहीं है, ये यूएन चार्टर की वायलेशन है और यूनाइटेड नेशंस, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जनरल असेंबली फिर उस पर एक्शन ले सकती है। तो अभी ये तक तो हमें कभी कोई एक्शन नजर नहीं आया, ये तो हम सुनते ही, अब आप भी बता रहे हैं ये उनके वहाँ आर्टिकल्स में लिखा हुआ भी है कि अगर इस तरह आप पीस को खतरा हो, लोगों को खतरा हो, तो आप एक्शन ले सकते हैं। सवाल मेरा आपसे अब ये है कि क्या दुनिया में फिर हम तो यही समझेंगे ना कि वाकई कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी मुल्क को वो इजाजत दे कि एक जो डिस्प्यूटेड मामलात में किसी जगह पर जाकर लोगों पर बर्बरियत हो, जुल्म हो, सितम हो, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस पर एक्शन ले सके। ये बातें क्या सिर्फ किताबी हैं, लिखी लिखाई बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है?
دیکھیں ایسا ہوا تھا جو میں نے جتنا یونائٹڈ نیشنز کو سٹڈی کیا ہے دیکھا ہے اس کے قوانین دیکھے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز جب سٹارٹ ہوئی 40s میں اور 50s میں پھر اس نے اپنی ایک چیز پکڑی اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کی طرف جتنا معاملہ گیا وہ سارا یونائٹڈ نیشنز ایک طرح سے کچھ اس پہ کر نہیں پائی لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہیومن رائٹس ابیوز اور کرمنالٹی کی طرف معاملہ گیا تو 1998 میں ایک روم کا اسٹیچوٹ آیا, اس کو روم اسٹیچوٹ کہا جاتا ہے. وہ روم اسٹیچوٹ جو ہے دراصل اس نے ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ قائم کر دیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ معاملات ہوئے یعنی کوسوو کا ہوا, یوگوسلاویا کا ہوا, سوڈان کا ہوا, دوسرے جو افریقن کنٹریز ہیں اس میں جو جتنی بھی یہ بربریت ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہم آنکھ بند نہیں کریں گے کیونکہ یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل وائلیشن یا سٹیٹس کی وائلیشن نہیں ہے خطے کی, بلکہ دراصل یہ جو ہیومن رائٹس ابیوز ہیں اس میں ہم چپ نہیں رہیں گے. اچھا ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ابیوز کے اب یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اس کو دیکھیے آپ بالکل انڈر مائن کوئی نہیں کر رہا نہ کر سکتا ہے, اور اگر پاکستان کو یہ ایک کامیابی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل نے جو بھی جس طرح یہ دو تین دنوں میں آپ کے سامنے آیا ہے, ون آف دا مین ریزنز از کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز چھٹتی ہے. اب جیسے انڈیا کے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں ایک اتنی ارریسپانسیبل اسٹیٹمنٹ دے دیا جو کہ پاکستان سے ہر آدمی رسپانسبلٹی شو کر رہا ہے. یہ اگر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ فلیش کر گیا, ایکسپلوڈ کر گیا, تو پھر یہ دنیا میں میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا کہ کیا ہوگا. ایک ایک ملک جو ہے پاکستان سے لے کے انڈیا سے لے کے امریکہ تک اس کا فال آؤٹ ہوگا, اور اسی لیے جو دنیا ہے اس کے کان کھڑے ہیں, اور اسی لیے پھر آپ کے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کچھ جو کنٹریز تھیں وہ اگری نہیں کرتی, انڈین ڈپلومیسی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی, کوئی لوگ ویٹو بھی کر سکتے تھے, اس کے باوجود یونائٹڈ نیشنز کی یہ ایک سمجھیے کنسیڈرڈ ویو تھا کہ نہیں جی اس پہ بات کریں اور اس پہ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار خدا نخواستہ شروع ہو گئی یا یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا تو یہ تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے, یہ دنیا پھر اس طرح بچے گی نہیں. یہ صرف پاکستان کا اب ایشو نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ کا ایشو ہے, اور بھارت کا جو اب یہ چہرہ ہے یہ ایک روک اسٹیٹ انڈیا بن گئی ہے, اور انڈین جو یہ روک اسٹیٹ ہے انڈیا نے دراصل اب دنیا کا جو پیس ہے, دنیا کی جو سمجھے کہ ہارمنی ہے, اس کو اس نے تھریٹن کر دیا ہے. تو اس لیے یہ بڑا فاروق صاحب انڈین سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا جو بھارتی حکومت نے کیا, تو یہ کہا گیا کہ کوئی فوری جو ہے نا وہ ضروری مسئلہ نہیں ہے, پھر اس کو کہا گیا جب ٹائم ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے, تو یہ سمجھا جائے کہ وہاں کی عدلیہ آزاد نہیں ہے, وہاں قانون کا بول بالا نہیں ہے, وہاں کی جوڈیشری بھی جو ہے وہ مودی سرکار کے انڈر ہے, پھر یہی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے نا کہ ان کے نزدیک یہ کوئی معاملہ اتنا اہم ہے ہی نہیں, انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید پاکستان میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جوڈیشری جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی آزاد ہے, لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی وہاں کی حالانکہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, یہ پوری چیز نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے وہی لائن ٹو کی جو کہ ان کی گورنمنٹ کی ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور کوئی یہاں کچھ لوگ تھے اکیڈیمکس تھے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھتے ہیں انڈین سپریم کورٹ سے ہمیں بڑی امید ہے, میں نے کہا جی مجھے تو بالکل کوئی امید نہیں ہے. اور دراصل انڈیا میں بھی یہ ڈفرینٹ ڈاکٹرنز ہیں, بیسک سٹرکچر کا ڈاکٹرن ہے اور دوسرے ڈاکٹرنز ہیں جن کا انٹر پلے ہے, تو لہٰذا ہم اگر یہ سمجھیں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ جو ہے اس مسئلے کو ریورس کر دے گی تو یہ خام خیالی کم سے کم میرے دل میں تو دماغ میں تو نہیں ہے. لیکن اگین میں یونائٹڈ نیشنز کی جو سمجھے کہ امپورٹنس ہے اس کو اس وقت انڈر مائن نہیں کر رہا, اور انہوں نے ایک بڑا ہی رسپانسبل سمجھے کہ ایک ریئیکشن آیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی لیڈرشپ سے. اچھا فاروق صاحب کل جو مشاورتی اجلاس ہوا آپ بھی اس میں شامل تھے, اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی بھی بات کی گئی, تو یہ بتا سکتے ہیں وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا یا وہاں جانے کا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا, کب ہوگا, سارا پروسیس کیسے ہوگا, کیا واقعی جائیں گے یا ابھی کچھ انتظار ہے؟ دیکھیے جو اس میٹنگ میں کشمیر کی جو کمیٹی ہے اس میں دو فیڈرل منسٹرز ہیں, ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, دوسرا میں ہوں, باقی ہمارے مشاورت میں کافی سارے لوگ ہیں جن کو انوائٹ بھی کیا تھا, جن سے ان کی فیڈ بیک مینلی لی ہے دوسرے لوگوں کی.
मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं इस तरह डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ये तय किया है कि उसका सिर्फ और सिर्फ जो स्पोक्स पर्सन है वो शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद होंगे। लेकिन मैं आपको लीगल ऑप्शंस की तरफ लेके जाता हूँ, जो आपका दूसरा सवाल है, और वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, एक है आर्टिकल 49 है फोर्थ जनीवा कन्वेंशन का, वो इस तरह की बात करता है कि अगर कहीं भी चेंज ऑफ डेमोग्राफी हुई, अब यहाँ आर्टिकल 35A अगर चेंज किया जाता है, जो कि किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जम्मू कश्मीर की यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देगा। यहाँ वो तमाम जो रिप्रीव्स और कंसेशंस जो थोड़े बहुत दिए थे, वो पूरे नहीं दिए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत 35A ने दिए थे, अब हर कोई वहाँ जाके प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदेगा, जाके ज़बरदस्ती जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ तो चल ही रहा है, दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों को मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की या दूसरी, तो वो भी नहीं होंगी। और कोई भी बाहर से आने वाला आदमी वहाँ आएगा इस नीयत से आएगा कि वहाँ की डेमोग्राफी यानी वहाँ जितने कश्मीरी बसते हैं उनको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए, उनको रेड इंडियन कर दिया जाए। तो ये सारा का सारा जो अगर किया जाता है, तो डेमोग्राफी चेंज करना जो है वो आर्टिकल 49 है फोर जनीवा कन्वेंशन का, उसके ख़िलाफ़ है। दूसरा, एक जनरल असेंबली ने अक्टूबर 1970 में एक रेजोल्यूशन पास किया है, 2625 उसका नंबर है, जो ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन आर्मी किसी मुल्क की किसी सरहद को जाके इन्वेड करे और वहाँ उसको एनेक्स कर ले, तो फिर वो एनेक्सेशन जो है वो इस रेजोल्यूशन जनरल असेंबली का 2625 के ख़िलाफ़ है। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो एनेक्सेशन किया है, इन्होंने 800,000 फ़ौज भेजी हुई है, फिर साथ साथ इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एनेक्सेशन कर लिया, यानी कब्ज़ा कर लिया है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को और उसको इंडिया का हिस्सा बना लिया है, जो कि सिमला डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल, इसके बरक्स अगर आप आर्टिकल 257 देखें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने ये उसमें ये लिखा हुआ है कि ये तमाम का तमाम मसला जो है आज़ाद कश्मीर का या पूरे कश्मीर का, ये जो प्लेबिसाइट होना है, यानी जो कश्मीरी जो हमारे भाई हैं बहन हैं उनकी मंशा से होना है, जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा, यानी एक डेमोक्रेटिक प्रोविजन है पाकिस्तान के आर्टिकल 257 में, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक अनडेमोक्रेटिक प्रोविजन पहले भी था और उसको तो बिल्कुल ही स्क्रैप करके एक ऐसी पोजीशन कर दी है कि डेमोग्राफी चेंज करके एनेक्सेशन कर दिया है, जो कि इन दोनों शिकों के ख़िलाफ़ है जो मैंने आपके सामने रखी। फिर साथ साथ एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, जो कि आर्टिकल 90 है एडिशनल प्रोटोकॉल है जिनीविया कन्वेंशन नंबर 4 का, उसके अंदर ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मौजूद है, जिसको अप्रोच करना है और जाके एक फैक्ट फाइंडिंग वहाँ से दरख्वास्त देनी है, करवाना है ये कि ये फैक्ट फाइंडिंग करें और ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ जो हैं, कम से कम ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ आवाम के सामने लेके आएँ, और साथ साथ जो एंडेंजरमेंट है, जो एंडेंजर हो रही है इंटरनेशनल पीस कीपिंग, उसके लिए एक समझिए कि राइट ऑफ लाइफ है ह्यूमन राइट्स का, उस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद रोम स्टैट्यूट है 1998 का, उसका आर्टिकल है 13B। ऑल्दो पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन 13A का पैराया कुछ और है। 13B में ये है कि कोई भी किसी भी मुल्क में अगर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे वो मेंबर हो या ना हो यूनाइटेड नेशंस के या इस रोम स्टैट्यूट के, तो एक रेफरेंस किया जा सकता है ICC को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, और वो करती है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल की एक बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ जनरल असेंबली की भी है, कि इस क्रिमिनलिटी को रेफर करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, और वहाँ बताया जाए, सामने किया जाए कि ये मोदी और मोदी सरकार जिस तरह इन्होंने क्रिमिनलिटी की। आखिरी मेरे दो सवाल आपसे, वक्त कम है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने तमाम इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो कानून है उनकी खिलाफ वर्जी की है, भारत भी ये जानता है, इस सब के बावजूद आप क्या समझते हैं भारत ने क्या सोच कर इतना इंतहाई इकदाम उठाया कि इतना आसान है उसके लिए मकबूजा कश्मीर पर कब्जा करना?
क्या सोच के, जबकि वो जानता है कि वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल का? मेरा ख्याल दो 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 बातें, जल्दी से जवाब दूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जल्दी से जवाब देता हूँ। एक तो जो अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस है और जो पाकिस्तान का जो रोल क्रिएट हो गया है उसको भारत जो है डाइजेस्ट नहीं कर सका है, और पाकिस्तान की फ़ौज की वहाँ से फोकस हटाने के लिए उसने ये इकदाम किया है ताकि पाकिस्तान का जो फोकस है वो कश्मीर में हो, और ये एक अमेरिका को एक्चुअली दरअसल भारत जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो मोदी सरकार है दरअसल ये RSS वाले हैं, ये हिंदुत्वा वाले हैं, जो कि जो जर्मन नाट्सी था हिटलर, ये वो फैशिस्ट लोग हैं, जो बल्कि उनका सिंबल भी वही है, स्वास्तिक का सिंबल जो है वो वही है जो जर्मन नाट्सीज का है, और ये उसी तरह ओथ भी लेते हैं, वही कपड़े भी पहनते हैं, और ये मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक हिंदुत्वा का, एक हिंदुइज्म का आप समझिए कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इन हालात में कश्मीरियों की तहरीक है, पिछले 10-20 सालों से आप देखें तो ये तहरीक आपको कितनी डिफरेंट लगती है? वो डिफरेंट इसलिए लगती है कि जो इंटरनेशनलाइज हुआ है ये इशू, ये एक हुआ है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की वजह से, भारत की क्रिमिनलिटी की वजह से, और ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आपके सामने है उसकी वजह से ये जो है अब ये इसका कम्प्लीटली कम्प्लेक्शन जो है इस डिस्प्यूट का कुछ और है, ये पुराना कश्मीर का डिस्प्यूट नहीं है, इसीलिए इसको इंटरनेशनलाइज ये हुआ है, और इंशाल्लाह फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कानून बैत फ़रोग नसीम साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अखंड भारत का नारा लगाने वाली BJP सरकार को एक नज़र अपने मौजूदा भारत पर भी डालनी चाहिए, जहां पर इस वक्त 67 से ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आकर बात करते हैं। नाज़रीन, भारत की दहशतगर्दी सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भारत के अंदर बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहां इंसानी हुकूक की पामाली आम है, और ये कहना किसी तौर पर भी गलत ना होगा कि पूरा भारत ही मजहबी, लसानी और माशरती तासुबात और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। आम तौर पर जो तासुर दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है कि भारत से आज़ादी की तहरीक सिर्फ कश्मीर में चल रही है, लेकिन अगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए तो ये मालूम होता है कि भारत में इस वक्त 67 अलैदगी की तहरीकें काम कर रही हैं, जिनमें 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें, और इन तहरीकों ने दहशतगर्दी के कैंप, तरबियती कैंप भी कायम कर रखे हैं। सिर्फ आसाम में 34 दहशतगर्द तंजीमें हैं इस वक्त, और इस वक्त भारत के 162 अज़ला पर इंतहा पसंदों का मुकम्मल कंट्रोल है। इस वक्त भारत में खालिस्तान, तमिलनाडु, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, शुमाली मशरकी भारत समेत कई रियासतें ऐसी हैं जिनमें अलैदगी की तहरीकें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन भारत आलमी ताकतों की पुष्पनाही, काले कवानीन और कुव्वत के बेशुमार इस्तेमाल की वजह से अलैदगी की जो ये तहरीकें हैं इनको दबाए हुए है। मगर वो कब तक ऐसा कर सकेगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। 2016 में जारी होने वाली कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मरकज वाशिंगटन की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में माओ नवाज बागियों, तामल अलैदगी पसंदों, कश्मीरी मुजाहिदीन, खालसा तहरीक समेत अलैदगी की जो तहरीकें हैं ये अपने उरूज पर हैं और दिन ब दिन जोर पकड़ रही हैं, और मुतादिद बड़ी कुव्वतें भारत के दर पे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2025 तक भारत कई टुकड़ों में बंटने के खदशात ये जो हैं ये हकीकत में भी बदल सकते हैं। इसलिए इसी रिपोर्ट में भारत को दहशतगर्दों की जन्नत भी करार दिया गया था। भारत में वकूअ पज़ीर होने वाले तमाम वाक़यात में हमेशा भारत ने बैरूनी मुदाखलत, ख़ास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन नतायज हमेशा ही बरक्स निकले। हकीकत ये है कि भारत को बैरूनी नहीं अंदरूनी खल्फशार से ख़तरा है। शिवसेना और बजरंग दिल के मजालिम, गुजरात और दीगर इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम और इम्तियाजी सलूक, इसी की वजह से ही मुसलमान भारत से अलैदगी का एक नया ख्वाब देखने लगे हैं। सवाल यह है कि ताकत के जोर पर भारत कब तक इन तहरीकों को दबाएगा, कब तक आलमी दुनिया इंसानी हकूक की पामाली देखते होते हुए ऐसे ही देखती रहेगी। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तजिया का, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब,
आपने मेरा इंट्रो सुना कि जो बातें की जा रही हैं, आलमी मीडिया भी अपने आर्टिकल्स में रिपोर्ट होता रहता है कि 2025 तक भारत टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। मैंने बताया कि कौन कौन सी रियासतें हैं जहां पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। क्या यही वजह है कि जो भारत है उसने अकलियतों का जीना मुहाल कर दिया है, मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है, जिस वजह से जो तहरीकें अब ये जोर पकड़ रही हैं? जी, जो आपका इब्तदाइया था शाजिया, मेरा ख्याल है वो आपका इख्तितामी वो होना चाहिए था। इतना खूबसूरत आपने जो भारत की तस्वीर कशी की है, भारत के अंदरूनी की, इसमें एक छोटी सी इजाफा कर लीजिए। भारत एक गैर फितरी रियासत है और एक इंतहाई बड़े झूठ पर मबनी है। उनके आइन का आर्टिकल 25 हैरान कन है कि वो सिखों को, बुद्धों को और जैंस को, और एक दो और माइनॉरिटीज़ हैं, इनको वो हिंदू करार देता है। हालांकि इनके अपने अलहदा अलहदा मज़हब हैं, सारी दुनिया जानती है इसको। अगर ये सब जमा किए जाएँ तो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे हैं। दूसरा, भारत का जो एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ पर इंसानियत की हुकूमत कभी नहीं रही। बिल्कुल, वहाँ पर किसी ना किसी रूप में जो ब्राह्मण साम्राज्य है, जो हमारे बुज़ुर्ग जिसको अच्छी तरह समझते थे, हमारी ये नई कौम को पौध को नहीं पता था, लेकिन अब उनको भी समझ आ गई है, जिनके नज़दीक इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान, ईसाई और दूसरी अकलियतें जो दरकिनार, वो अपने ही जो जिनको वो हिंदू कहते हैं, दलित, जो तकरीबन 60% है हिंदुओं का सारा, वो उनको इंसान समझने को तैयार नहीं है। उनके हाथ का पानी नहीं पीते, अगर कोई गलती से उनका हाथ लग गया तो बंदे को मार देते हैं वो लोग। अब इस किस्म की जहनीत ने, और भारत ने जो बिग मनी है जिनका ख्याल ये था कि हम अखंड भारत बना के छोड़ेंगे, वो तो ले तो आए मोदी साहब को, और मोदी साहब को 2014 के इलेक्शन के बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन की तो आया, और इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा मेजोरिटी दी कि भाई ये थोड़ा सा जो काम तुमसे रह गया ये ख़त्म करें आप इस काम को। जो काम मोदी साहब ने शुरू किया है उसका असर तकरीबन उल्टा हो रहा है। एक तीसरा, आपने कहा कि उनकी आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं, उनका जो एक सेकुलरिज्म का जो एक वो जो हॉल चढ़ा हुआ था ना, वो ख़त्म हो गया। उसके साथ दुनिया को पता लग गया कि एक ये इंतहाई मजहबी जुनूनी रियासत है। ये पाकिस्तान को तो इल्ज़ाम देते ना लोग, हमने तो कभी किसी मजहबी उसको आगे आने मौका ही नहीं दिया। अभी पिछले इलेक्शंस में उन सबको बुरी तरह शिकस्त हुई। सबसे बड़ी सो कॉल्ड दीनी जमात है, भारत हमेशा से खतरा क्यों समझता है? अपने आप को बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं ना, तो दीगर मजाहिब को क्यों खतरा समझता है भारत अपने लिए? देखिए, जब भी ब्राह्मण साम्राज्य को उनकी अपने जो सो कॉल्ड उनकी डोमिनेशन है उसको खतरा होगा तो किन से होगा खतरा? अपने हिंदुओं को इंसान मानने को तैयार नहीं है। जब उनका सलूक सारी इंसानियत के साथ खराब होगा तो उनके खिलाफ तो खड़े होंगे। अब मुसलमानों के बहुत सारी जो उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने कहा ये भारत के साथ रहें तो हमारी ज्यादा बेहतर। अब वो लोग जो कल तक भारत के साथ थे, वो लोग जो मकबूजा कश्मीर में कल तक भारत की जुबान बोल रहे थे, उन सबको भी भारत ने ये बड़ा यकीन दिला दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस किस्म का डाउट था कि भाई एक तो जो टू नेशन थेरी थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल, और नंबर टू कि जो कश्मीरियों को जो धोखा दिया गया था वो भी बिल्कुल धोखा था, उनको भी समझ आ गई है। अब वो भी भारत से अलहदा होकर पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। तो ये तो भारत में मैं समझता हूँ मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर हमें कोई कसर रह गई थी तो वो एक इंतहाई जुनूनी किस्म का आदमी रामनाथ, जिसको उन्होंने अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो अगले दिन पाकिस्तान को धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वेपन्स की। पाकिस्तान को देखिए, हालांकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान एक ताकत में कम है, पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। आप देख लीजिए हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, उससे आप 100 इख्तलाफ कर लें, मतलब हर एक से इख्तलाफ कर लें, आप हर एक को बुरा भला कह लें, लेकिन उनमें इतनी समझ बूझ है कि ऐसी हमाकत नहीं किया करते। उनका डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, अपने जो लोग हैं उनको वो तसली दे रहा है और दुनिया को डरा रहा है, वो भी उस दिन जिस दिन UNSC की मीटिंग हो रही है। तो कश्मीर उभर कर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जो है ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर उभर के आ गया है, और अब इसकी वजह से जी
अच्छा, तो ये वजह है कि मोदी साहब भी बुखलाए हुए हैं। करतारपुर राहदारी पर काम पाकिस्तान की तरफ से तेजी से जारी है, 2020 में खालिस्तान रेफरेंडम भी होना है, सिख तो आगे ही इस तहरीक को बहुत ज्यादा चला रहे हैं, ये तहरीक भी अपने उरूज पर है। इसके बाद आपको भारत की शक्ल क्या नजर आ रही है? क्या भारत इसे भी ऐसे कश्मीर की तरह इसको दबाने की कोशिश करेगा, या आपको लग रहा है ये कामयाब होगी ये खालिस्तान की तहरीक? देखिए, खालिस्तान की तहरीक की कामयाबी तकरीबन यकीनी है। अच्छा, वो इसलिए कि वहां पर जो भारत के अंदर रहने वाले सिख ही इन्वॉल्व नहीं है, जो दुनिया में फैल गए हैं, जिनके पास दौलत भी है, जिनको अभी तालीम भी है, अकल भी है, वो इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवाकर भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और कल को रेफरेंडम होना है, उन्होंने भारत से लहदी ऐलान कर देना है। जब ये हो गया तो कश्मीर भी गया। आप देखिए ना, लिंक तो वही है ना, मतलब जो भारतीय पंजाब उसे कश्मीर का लिंक है। अगर ये खालिस्तान बन जाता है, कश्मीर भी गया उसके हाथ से, और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खालिस्तान होगा, पाकिस्तान की उसको पूरी मदद हासिल होगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि भारत के टुकड़े जो मैं होते हुए देख रहा हूँ ना जी, वो नईम बुखारी साहब को आया था कि बात चार हलकों से शुरू हुई थी, अब इंशाल्लाह भारत के चार टुकड़ों में खत्म होगी। भारत कोई, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 30-35 टुकड़ों में बटेगा तो ये दुनिया को खतरा कम होगा इससे। मेरा आखिरी सवाल, आप जानते हैं पूरे भारत में तकरीबन 18 करोड़ मुसलमान बसते हैं, ये जो इस साल में इंतखाबात हुए, आप क्या समझते हैं? एक तरफ वहाँ पर मोदी के होने का रोना भी रोया जाता है, दूसरी तरफ वही आवाम फिर मोदी को चुनती भी है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मोदी के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो मोदी को दूसरी बार चुन लिया गया है? देखिए, हम भारत को एक जमहूरियत समझते हैं, और हमारे यहाँ ये खाम ख्याली है कि वहाँ पे इंतखाबात फेयर और सारे कुछ होते हैं। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमारे मीडिया को, ये हमारे लोग भारत को सही तरह स्टडी नहीं करते। भारत में ब्राह्मण साम्राज्य और जो बिग मनी हमारी, जो बड़े बड़े ये टाटाज और रिलायंस, ये सारे मिलके, और इंटरनेशनल बिग मनी जो भारत के साथ जिनका वो लिंक है सारा, वो सब मिलके मोदी साहब को लेकर आए हैं, और वहाँ पे जिस किस्म की धांधली होती है, मैं और आप शायद उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसकी इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमानों को जो आप देख लीजिए हालत क्या है वहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद, एक तो उनको इस कदर शदीद खौफ और हिरास से, मतलब उनको दबाया गया है, और इलेक्शन से पहले जिस किस्म की खबरें वहाँ से मिल रही थी, वो तो इंसानों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, और कह रहे थे कि मुसलमानों को हक ही नहीं है, जो मुसलमान क्या है, तो उससे मुसलमान डरे हुए भी थे। अब मेरा ख्याल है क्योंकि यकीन हो गया है कि आप डर के रहें या अकड़ के रहें, आपको हिंदू रहने नहीं देगा, उसी वक्त आपका वहां पे रहना मुमकिन है, जब आप वहां पे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, बिल्कुल, और नया पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू करेंगे, बिल्कुल, और लगता यूं है कि भारत के अंदर से एक नया पाकिस्तान उठने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा। हमारे मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि एक साल में हुकूमत मईशियत को संभालने में किस हद तक कामयाब हुई है। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को आज एक साल मुकम्मल हो गया है। इस एक साल में तहरीके इंसाफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश आया, जिसके ऊपर हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई, वो था मुआशी महाज। यूँ तो हुकूमत को पहले ही साल ज़बूहाली का शिकार मईशत मिली थी, लेकिन हुकूमत भी हमें एक साल में कोई बड़ा, अगर कहा जाए कि मुआशी कारनामा कोई करके दिखाती, तो ऐसा नहीं हुआ। इक्तदार में आने के एक माह बाद ही उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर के IMF जाने का उन्होंने इंदिया भी दिया था, लेकिन उसके साथ साथ दोस्त ममालिक से हमने देखा कि इमदाद का एक सिलसिला चल निकला, और पाकिस्तान ने चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से तकरीबन 9 अरब डॉलर के जायद के कर्जे भी हासिल किए। इसके साथ ही फिर IMF से कड़ी शरायत पर 6 अरब डॉलर के कर्ज का मुआहदा भी तय पा गया। एमनेस्टी स्कीम लाई गई, बजट में टैक्सेस की भरमार हुई, महंगाई में 20% इजाफा हुआ, डॉलर 128 से 160 पर पहुँच गया,
सोने की फी तोला कीमत 89,000 तक पहुंच गई है। स्टॉक एक्सचेंज 43,000 पॉइंट से गिरकर 29,000 पॉइंट पर पहुंच गई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क में सरमाया आ नहीं रहा है। हुकूमत ने एक साल में 16 अरब डॉलर के रिकॉर्ड कर्जे भी हासिल किए हैं। गैस और बिजली की जो कीमतें हैं कई गुना इनमें इजाफा हो चुका है। आने वाले दिनों में जो मजीद इसमें इजाफा मतवक है। इन तमाम इकदाम के बावजूद भी हुकूमत तमाम लिहाज से अगर देखा जाए मईशत को संभालने में नाकाम रही है। इस वक्त मुल्क में कश्मीर के मामले पर महाज गर्म है, जिस वजह से दीगर मामलों पर ज़्यादा बात और बहस नहीं हो पा रही है। और चेयरमैन FBR शबर जैदी ने अब एक नया ऐलान किया है, वो ये कि मकामी मार्केट्स में स्मगल शुदा जो चीज़ें हैं उनकी फरोख को रोकने के मरहलेवार प्रोग्राम का उन्होंने एक आगाज़ किया है। इसके लिए मुश्तरका टीमें बैरून ममालिक से दरामद की गई जो अशियाँ हैं उनकी दस्तावेजात जो हैं जो डॉक्यूमेंट्स उनकी जाँच पड़ताल करेंगी, ताकि ये पता चल सके ये कानूनी ज़रूरियात से मुताबकत भी रखती हैं या नहीं। क्या हुकूमत का ये इकदाम मुआशी तौर पर मजीद बेयकीनी की कैफियत को जन्म देगा या इससे के मईशत पर कुछ मुस्बत असरात भी पड़ेंगे, और आने वाला साल हुकूमत के लिए मुआशी एतबार से कितनी मुश्किलात का बायस बन सकता है, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। माहिर मौशियात बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं मेरे साथ, डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक साल गुजरने के बाद बिल्कुल एक सादा सा सवाल, एक आसान सा सवाल जो एक आम आदमी भी इस वक्त देखने वाला समझ सके कि एक साल गुजर गया, एक साल गुजरने के बाद मईशत में किसी किस्म की पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? देखें, जिस तरह के चैलेंजेस का सामना था हुकूमत को, तो इतनी जल्दी पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट करना कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मईशत फिर एक सही सेंस में चल पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हम लोगों का। हम लोगों से मुराद ये है कि पाकिस्तानी अवाम का। सही, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बे इंतहा चैलेंजेस थे हुकूमत को, और ये जो चैलेंजेस क्रिएट किए गए थे ये जानबूझ के क्रिएट किए गए थे इस हुकूमत के रास्ते में कांटे बिछाने के खात के मुतरादिफ था ये, और ये जानबूझकर बिछाए गए थे कांटे, ताकि बाहर से हम बैठ के क्रिटिसाइज करें और जो अंदर हो उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हों, वो तकलीफ में, और हम बाहर से कहें कि देखें आए थे ये काम दिखाने के लिए और क्या काम दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस बिल्कुल थे, और लेकिन बात यह है कि इन चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट थी, वो ये हुकूमत मेरे नज़दीक जो है वो उस तरह के मैन पावर इकट्ठा करने में कामयाब नहीं रही है। सही, चैलेंजेस बहुत थे, और उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी में लोग थे या जो वजारतों में लोग आए, वो मेरे हिसाब से चैलेंजेस के मुकाबले में उनकी सलाहियत जो थी वो उतनी नहीं थी। ठीक हो गया। अब इस मईशत को बेहतर करने के लिए वे फॉरवर्ड मैं आपसे बिल्कुल लास्ट में पूछूंगी कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्या इकदाम करने चाहिए, ठीक है, वो मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे। एक जो खबर आई है वो ये कि ये जो हुकूमत है डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड लाना चाहती है, ये क्या है, कैसे आप इसको इलेबोरेट करेंगे, समझाएंगे, इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है इन बॉन्ड्स का? देखिए, ये आज अखबार में ये खबर आई है और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल तो नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है, जो ये गवर्नर स्टेट बैंक का ये ब्रेन चाइल्ड है जो उन्होंने फ्लोट किया है, और ये अंडर डिस्कशन है इस वक्त वजारत ख़जाना में। तो वो गवर्नर के जहन में जो बात है वो ये है कि हम लोगों को सेविंग की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं, और वो कैसे करेंगे हम सेविंग की आदत डालने के लिए, कि हम उन्हें कहते हैं कि जी आप रुपए को सेव करें और जाएं डिफेंस सेविंग नेशनल सेविंग स्कीम में, जो बहुत सारे और भी सर्टिफिकेट वहां पर अवेलेबल हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, पेंशनर्स के लिए अलहदा है, विडोज के लिए अलहदा स्कीम्स हैं। तो आप एक और स्कीम का नाम वो दे रहे हैं जिसको कहते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड स्कीम,
इसका क्या मतलब हुआ, आप जाके रुपया हासिल करें, रुपया जमा कराएं अपना। स्टेट बैंक सॉरी ये जो नेशनल सेविंग स्कीम है वो आज फर्ज कर लें कि आप 160 रुपए जाके जमा कराते हैं नेशनल सेविंग स्कीम में जाकर, ठीक है, वो कहेगा कि आपने एक डॉलर वर्थ ऑफ डॉलर का बॉन्ड आपने खरीद लिया। अच्छा, आपने डॉलर पे नहीं किया है, आपने रुपया पे किया है, लेकिन वो सीडीएनएस वाले वो कहेंगे आपने एक डॉलर मारियत के आज के एक्सचेंज रेट से उसको डिवाइड करके उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और उस वो आपका डॉलर डिनोमिनेटेड हो गया। अच्छा। अब वो 3 साल के लिए हो 5 साल के लिए हो तो वो उसपे जो रिटर्न होगा क्या रिटर्न होगा वो अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अच्छा। अब जब आपको रिटर्न मिलेगा 3 साल के बाद या 5 साल के बाद डॉलर की प्राइस तो के मिलेगा एक्सचेंज रेट के मुताबिक डॉलर का रेट होगा, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे और रुपए में आपको, तो ये मेरा अपना ख्याल है कि एक सिंपली एक नोशनल सी चीजें होंगी, डॉलर की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, ये रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, जहां और भी स्कीम अवेलेबल है एक और स्कीम हो जाएगा उसका नाम हम दे देंगे डॉलर। मतलब कि ये हुआ, जरा आसान लफ्जों में बता दें कि उस वक्त 3 सालों के बाद जो डॉलर की प्राइस होगी उसके उसके लिहाज से आपको जो रुपए में पैसे बनेंगे वो वापस मिलेंगे, राइट? जी 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 बिल्कुल ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इन सेंस कि इस पे फर्ज कर लें कि 3% आपको डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे रिटर्न आपको दिया जाएगा 3%, और फर्ज कर लें कि 10% आपके करेंसी डिवैल्यू हो गई है तो आपका रिटर्न 13% हो गया, बस यही होगा उसमें। तो गवर्नर साहब को ये थोड़ा सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई डॉलर की प्राइस बढ़ेगी भी रुपया डिवैल्यू भी होगा फिर तो कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, फिर तो कहेंगे भाई हमें तो स्कीम से बड़ा फायदा हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, हमें तो 3 साल के बाद हुकूमत को डॉलर तो नहीं मिल रहा है। इस स्कीम से हुकूमत को डॉलर तो नहीं मिल रहा है। मैंने अपने रुपया ला के जमा कराया, 160 रुपया जमा कराया, मुझे बताया गया कि आपका एक डॉलर हो गया आज के एक्सचेंज रेट से, सही, और 3 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर एक्सचेंज रेट जो है 170 हो गया होगा या 180 हो गया होगा तो वो मेरा एक 160 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 180 हो चुकी होगी, सही, उस पर जो भी रिटर्न 1-2% है वो दे देंगे। तो ये बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया है, इसका कोई पर्पस समझ में नहीं आया। अच्छा। कि ये इसका डॉलर डिनोमिनेटेड क्यों किया गया, ये एक नोशनल सा का मुझे लग रहा है कि उसका नाम अब्दुल गफूर का नाम अब्दुल मनान कर दिया हमने। अच्छा 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 ठीक हो गया। अच्छा, रुपया जमा कराए और उसको कहा गया कि यार आपने रुपया नहीं जमा कराया, आपने डॉलर जमा करा, कॉल आपके इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब इस वक्त जो मार्केट के हालात चल रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि रुपया स्टेबल रहेगा, मजीद डीवैल्यू नहीं होगा, किस हद तक मुस्तहकम रह सकता है रुपया, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी आपको पता है डॉलर 128 का था, अब डॉलर 160 पे पहुंच गया। देखिए, अगर गवर्नर स्टेट बैंक जिस इदारे से आए हैं वो इदारा उनको कहेगा कि फर्दर डीवैल्यू करो तो वो करेंगे। अच्छा, सीधी सीधी बात है, वो अदारा इनसे कहेगा कि आप डिस्काउंट रेट को बढ़ाओ, ये बढ़ा देंगे। अच्छा, तो लॉयल्टी लाइज विद IMF नॉट विद GOP। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इस मईशत को बेहतर बनाने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, आखिरी सवाल मेरा। देखिए, वे फॉरवर्ड तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये हुकूमत के वक्त के हाथ में है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हुकूमत के हाथ में मईशत है या IMF के हाथ में मईशत है। वेरी ट्रू। मैं अगर कहता हूं कि इस मुल्क को आगे की तरफ जो तबाही होनी थी हो गई है, अब बेहतरी की तरफ कैसे जाया जाए, तो सबसे पहली चीज यह है नो मोर डिवैल्यूएशन। लेट मी रिपीट, नो मोर डिवैल्यूएशन। डिस्काउंट रेट को कम करें, यह हमने अननेसेसरी बढ़ाया हुआ है। सही। अगर मजीद बढ़ाया गया तो आप समझ लें कि इस मुल्क के साथ जुल्म किया जा रहा है और हम सब आंखों में पर्दा बांधे बैठे हुए हैं
जिसको कहते हैं ना कि हाथ पैर हमारे बांध दिए गए हैं और हमें मारा जा रहा है, हम अपनी जबान से कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट को कम करने का वक्त आ गया है। सही। किसी को अगर शक है इस चीज पे आके मुझसे बातचीत करे। सही। मैं गवर्नर साहब को दावत देता हूं, आए मेरे सामने बैठे, मुझे कन्विंस करें कि इस वक्त डिस्काउंट रेट को मजीद बढ़ाने की जरूरत है और मैं उनको कन्विंस करूंगा कि मजीद कम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप ज़राअत की तरफ तवज्जो दें। चाइना के जो सेकंड फेज है सीपेक का, सेकंड फेज में टॉप प्रायोरिटी जो है वो ज़राअत की तरफ में है, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की तरफ में है। तो ज़राअत जब एक प्रायोरिटी एरियाज है उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि 42% वर्क फोर्स जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो सबसे ज्यादा नौकरी क्रिएट करता है। इस इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में हमने उसको चोक कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट को कम करो ताकि इस किस्म के छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ये अपना काम करें, ये नौकरी क्रिएट करें। और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपना जो उनका फेवरेट प्रोग्राम है हाउसिंग स्कीम को, उसको एक्सेलरेट कराएं, क्योंकि इसने बहुत जॉब्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन में हमारा आज का एडिटोरियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत आज अपना एक साल मुकम्मल कर लिया है। इस अरसे के दौरान हुकूमत ने मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में अहम इकदामात भी किए हैं। खासतौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सिफारती और दिफाई मामलात पर कारकर्दगी यकीनन बेहतरीन रही। इमरान खान ने इक्तदार संभालने के बाद भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि आप दो कदम आगे बढ़ाएं, हम चार कदम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की हलफबरदारी की तकरीब में हम सब ने देखा नौजवत सिंह से दुआएं, तो ये खुशखबरी साथ लेकर गए कि पाकिस्तान जल्द करतारपुर बॉर्डर खोल देगा। इसके अलावा भी दीगर मौक़ों पर वज़ीर आज़म की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की 3 बार पेशकश की गई, लेकिन शिद्दत पसंद भारत ने हमेशा नेगेटिव जवाब दिया। और जब भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा तो हमारी पाक फ़ौज ने अपनी सलाहियत से उसके दान खट्टे कर दिए और भारत को अपना पायलट अभिनंदन छुड़वाने के लिए भी जान के लाले पड़ गए। पाकिस्तान की कोशिशों से ही अफगान अमन मामला अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। कश्मीर का मामला अब दुनिया की नज़रों में आ चुका है। 50 साल के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मामले पर बहस हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, मलेशिया, चाइना, तुर्की और ईरान के दौरे भी किए और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को एक नई शक्ल दी। गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ट्रंप की दावत पर अमरीका का एक तारीखी दौरा भी किया, जिसके बाद पाक अमरीका ताल्लुकात पर जो जमी बर्फ थी वो भी पिघली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सिफारती कामयाबियाँ तो बहुत हैं, बस हुकूमत को ऐसी ही जान दूसरे शोबों में भी लड़ाने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।